हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के मॉडल पेपर जो आया हुआ है, जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सेट वन के कुछ क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 12th के कुछ वीडियोज़ दिए हुए हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने उनको शेयर किया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि मेरे पास मॉडल पेपर वन का सेट पेपर वन है और इसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पास, अपने मोबाइल में आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दूसरा है इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी, जब आपको मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि यूनिट्स को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होना चाहिए कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी सबके द्वारा एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा है कि इट इज़ इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ये चेंज नहीं होना चाहिए और अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। तीसरा है कि ये यूनिवर्स सूटेबल साइज, यानी अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन आप इसका साइज और आसानी से मिलने वाला चीज होना चाहिए, यानी इसके तीनों ऑप्शन ही आपके करेक्ट है। यानी पहला वाले का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है मैं एक बार लिख देता हूं, वो है ML T माइनस टू, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है आपका है ML स्क्वायर T माइनस टू, और ऑप्शन सी जो है वो है आपका ML का क्यू टी स्क्वायर, और ऑप्शन डी जो है वो है ML5 और T माइनस टू। ये चार ऑप्शन है, आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है। तो देखिए आपको इसको कैसे करके कैलकुलेट करना है, बहुत बेहद आसान सा चीज़ है। F बराबर आपने पढ़ा है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या बहुत सारे बुक में डी स्क्वायर भी लिखता है। तो जी बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 हो जाएगा। F जो है आपका फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ML T माइनस टू है, डिस्टेंस का है L का स्क्वायर हो जाएगा, मास का है m स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा इस वाले ऑप्शन में माइनस वन छूटा हुआ है, यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं। m और यहाँ m स्क्वायर, तो m माइनस वन एल का टोटल क्यूब हो गया, टी का स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। ओके, बेहद ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ सेम डायमेंशन, इनमें से कौन से पेयर की सेम डायमेंशन है, ठीक है, कौन सी पेयर की जो है वो सेम डायमेंशन है। ऑप्शन है आपके पास स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट, ओके, इंपल्स एंड मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए, इंपल्स एंड मोमेंटम का आपका सेम होता है, ठीक है, सेम डायमेंशन। क्योंकि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इंपल्स जो होता है वो होता है इन दोनों का फोर्स और टाइम का इंटीग्रल, और वो क्या होता है एक्चुअली देता है वो चेंज इन मोमेंटम, बेसिकली ये मोमेंटम को देता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इसमें से कौन सा जो है टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है, नॉट वाले सवाल है, अच्छे से ध्यान से बनाना। पहला है सेकंड, टाइम का यूनिट होता है, दूसरा क्या है पाशिक, ठीक है, तीसरा है ईयर, और चौथा है लाइट ईयर, ठीक है। मैं एक बार ऑप्शन आपको लिख देता हूँ, एक है सेकंड है, दूसरा है पाशिक है, ठीक है, और तीसरा है ईयर है, और तीसरा है लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर। तो आपको पता है मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, इन सब के चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस मैंने किया हुआ है, सेकेंड, पॉसिक, ईयर, लाइट ईयर, इन सब के बारे में। सेकेंड टाइम का यूनिट होता है, ठीक है, और सेकेंड तो टाइम का यूनिट होता है, कौन सा नहीं होता, लाइट ईयर किसका होता है ये देखिए ध्यान से। ईयर क्या होता है, ईयर होता है साल, एक साल यानी 365 दिन, तो टाइम ही बता रहा है ना, ये भी होता है, ये भी बताता है, ठीक है। अच्छा,
और एक चीज है यहाँ पर जो लाइट ईयर है, ठीक है, लाइट ईयर को दिखाते हैं कि लाइट ईयर बराबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वन लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है। तो लाइट ईयर किसका मेजरमेंट करता है? डिस्टेंस का मेजर करता है, टाइम का मेजरमेंट नहीं करता है। हालांकि यहाँ पार्सेक जो है वो भी क्या करता है, टाइम को मेजर नहीं करता, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो बट इस क्वेश्चन में मिस्टेक है और आपका जो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बी है पार्सेक जो है वो ऑलरेडी एक डिस्टेंस के लिए, आपको पता है पार्सेक और लाइट ईयर दोनों ही डिस्टेंस से आपस में इंटररिलेट किए जा सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट यहाँ पर ये भी आंसर सही है, यहाँ भी ये भी आंसर सही है, बट हम लोग यहाँ डी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क का एसआई यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है आपको पता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर जो है वो डिस्टेंस के लिए यानी मीटर हो गया, फोर्स क्या होता है फोर्स के लिए होता है न्यूटन, यानी न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन है। बट हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का होता है के जी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आप इसको देख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर, और यहाँ एक मीटर है यानी के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो है एक ऑप्शन तो, अच्छा सॉरी, पहला ऑप्शन ही तो आपका गिवन था न्यूटन मीटर। ओके, यहाँ तो पहला ही ऑप्शन इतना गिवन था, ऑप्शन ए, ठीक है, क्यों इतना मेहनत करने जा रहे थे। ये भी होगा, ये भी एक पॉसिबल है, बट ऐसा कोई ऐसा यूनिट गिवन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द पहला, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये जो पांच सवाल हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिए, ठीक है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या देता है। तो ये सिंपल सा बात है कि अगर आपका वेलोसिटी और टाइम का कर्व है तो ये जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है टेन थीटा जो बताता है वो आपका वी माइनस यू बाई टी यानी एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन कि आपका वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो आपका क्या बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया, इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। सेवन नंबर पे आते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट टू सेकेंड। ऑप्शंस मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, सेवन नंबर के ऑप्शंस जो है वो है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 15 मीटर और एक चौथा है नंदिस, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका है कितनी के वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड के कारण से, जो कि है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सक पाएंगे कि क्वेश्चन में जी का वैल्यू 9.8 नहीं लेना है, 10 लेने का है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला कि पहले दो सेकेंड में, फर्स्ट दो सेकेंड में, सपोज यहाँ जाना तो इसको यहाँ पर है, लेकिन जब दो सेकेंड होगा तो वो यहाँ पहुँचेगा, इस वक्त कितना है, तो टाइम इज इक्वल टू है आपका दो सेकेंड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू कितना है दो सेकेंड पे। तो आपको पूछा कितना जाएगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से s इज इक्वल टू आपको पता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s जो है कितना डिस्प्लेस किया गया, सपोज ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका s है, ठीक है, s इज इक्वल टू u कितना है 20 इंटू टू प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू है माइनस 10 इंटू टू का स्क्वायर क्या हो गया है 4, यहाँ से हमने से काट दिया 2, तो यहाँ से 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड द ऑप्शन इज ए, ठीक है, ऑप्शन इज ए है। आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर में, ये है पूछा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेवन का आपका ए बन गया, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर एट है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर टेंसर नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कैसी क्वांटिटी है,
कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो 8 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ये पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव होता है विद द कॉन्स्टेंट मास। मास जो होगा वो आपका एफ बाई ए होगा, ठीक है। फोर्स भी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर, दोनों ही वेक्टर मिला के स्केलर कैसे बना सकते हैं, ये सोचने वाली बात होनी चाहिए कि फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट इट गिवन अ स्केलर क्वांटिटी, कैसे करके पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मास तो है क्या, मास स्केलर कैसे बन गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज हाउ कैन बी पॉसिबल इट विल बी स्केलर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को है, अच्छा ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट कैन से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसके डिस्टेंस के बारे में क्या कहा जा सकता है। ऑप्शंस है, पहला इट इज नेगेटिव, इट मस्ट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो और इट मे और मे नॉट बी जीरो। ये जरूरी नहीं है, तो ये चारों है ऑप्शन से। सिंपल से बात है, आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है और ये फिर से घूम के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? डिस्टेंस नेवर बी जीरो। ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इट इज़ नेगेटिव, ये गलत है। इट इज मस्ट टू बी जीरो, डिस्टेंस जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट कैन नॉट बी जीरो, यस डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ओके, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ओके। अगला क्या है, इट मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकता हो भी नहीं सकता, ऐसा कोई श्योर नहीं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 9 का जो सी है वो आपका आंसर होगा, ठीक है, 9 का सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं तब आपको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, एक कार ए है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है कार ए, दूसरी कार बी है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूछ, तो पूछ रहा है आपको वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो कार सेम ही डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड के साथ चल रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि दोनों ग्राउंड के फ्रेम में होने चाहिए, तो ये आपका 100 माइनस 60 यानी आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए 10 का है। अगर यही क्वेश्चन आपका ओपोजिट के लिए होता तो 610 100 प्लस 60 160 हो चुका होता, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी आर बाई डी टी, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना चाहिए था, तो खैर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ओके, इज कॉल्ड वेलोसिटी यानी वी से डिनोट करते हैं। यही क्वेश्चन आपका रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन हो जाता, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था ये, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बन जाएगा यहाँ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन सी, ठीक है, 11 का ऑप्शन सी। अब देख सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है। अगर आप मास की एनालॉगी निकालना चाहते हैं, ठीक है, मास की क्या निकाल, मास को रोटेशन मैकेनिक्स में कंपेयर करते हैं तो किससे कंपेरिजन किया जा सकता है। यहाँ है पहला ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्सिया MI से, दूसरा कंपेयर आपका ऑप्शन दिया हुआ है टॉर्क से, तीसरा ऑप्शन है आपका एंगुलर वेलोसिटी यानी
ओमेगा से, चौथा है आपका एंगुलर मोमेंटम यानी एल से। ये चार क्वांटिटीज से आपको कंपेयर करने में, तो सिंपल सा बात है मास का कंपैरिजन आपका होता है रोटेशन मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से आपको पता है लीनियर मोमेंट, लीनियर में एम इंटू वी होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो मास इंटू वेलोसिटी, रोटेशन में लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम एल आ जाता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। वेलोसिटी की जगह क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी 11 आपका 12 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट वेलोसिटीज फ्रॉम अ सेम प्लेस, द बुलेट विल हिट द ग्राउंड। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आपसे कहा क्या गया है कि दो बुलेट्स हैं सेम प्लेस के साथ, दो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ थ्रो किया जाता है, हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया जाता है, तो कौन सी बुलेट सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, ठीक है, कौन सी बुलेट सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, यानी एक बुलेट को इस तरीके से, एक बुलेट को इस तरीके से, यहाँ इसको U1 या फिर आपको इसको V1 वेलोसिटी, इसको V2 वेलोसिटी, और ये मान के चलते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, डिफरेंट वेलोसिटीज है, तो आपकी उम्मीद से ये वेलोसिटी ज़्यादा, ये इस तरह से कवर करेगी, ये इस तरीके से। तो देखने वाली बात है कि क्वेश्चन आपसे पूछा कौन ज़मीन पर सबसे पहले गिरेगा, समान जगह से समान हाइट से फेंका गया है ज़मीन से, चलिए इसकी हाइट क्या मान के चल रहा है H, ठीक है, ये लिखा गया है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कौन पहुंचेगा, पहला जिसकी स्पीड कम होगी, दूसरा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, दोनों, तीसरा है, तीनों दोनों साथ साथ पहुँचेंगे, और चौथा डिपेंड अपन देयर मास, इनके मासेस पे डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से है, और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो होता है वो होता है वही जो फ्री फॉल का होता है, टी बराबर रूट ओवर 2h/g, यानी टाइम पीरियड कभी भी हाइट, इसके बल क्या हाइट पर डिपेंड करता है, वो एज इट इज़ फ्री फॉल वाला कंसेप्ट रहता है, ये इनिशियल वेलोसिटीज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आप कितने वेलोसिटी के साथ फेंके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1000 से फेंके हैं, 500 से फेंके हैं, दोनों का टाइम ऑफ फॉल सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों पे बराबर ग्रेविटी एक्ट होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों साथ साथ पहुँचेंगे ज़मीन पर, ओके, दोनों साथ साथ पहुँचेंगे ज़मीन पर, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वैक्टर कैन इल्ड अ वैक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ दी, इसमें से कौन सा जो वेक्टर के ऑपरेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो दो वेक्टर्स का एक ऐसा वेक्टर बनाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ दी, किसी भी एक पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, चार ऑप्शन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पूरी की पूरी सीरीज बनाई हुई है वीडियो की, आप जाके आराम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और एक है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कि आप जब करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी से अगर कोई नया वैक्टर बनता है, जैसे ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी से आपका सी वैक्टर इधर बनेगा, ये सी ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, और सी जो है वो आपका ए पे भी परपेंडिकुलर है, सी जो है आपका बी पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, यानी आपका केवल क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट ही परपेंडिकुलर कंसेप्ट देता है, ठीक है, क्लियर है। कैन इल्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, आइदर ऑफ दम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द योर राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपन, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किस पे डिपेंड नहीं करता है, पहला है मास पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट वाला सवाल है, ध्यान से रखना, ठीक है, नॉट वाले सवाल पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मास ऑफ द बॉडी, दूसरा एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, चौथा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यहाँ मैंने तुरंत बताया, उसकी फॉर्मूला होता है mr², ठीक है, एक्चुअली के होता है रेडियस ऑफ जायरेशन से ही, वो रेडियस के बराबर हो जाता है, तो आई इज इक्वल टू mr² का कंसेप्ट आता है, आई इज इक्वल टू mr², जहाँ आप समझ सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी फिक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है, आर क्या है, इसकी रेडियस कह सकते हैं बॉडी की, किस पे डिपेंड नहीं करता, अरे भाई मास पे तो डिपेंड करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है वो भी है। चौथा है एंगुलर वेलोसिटी, क्या कहीं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का कोई कंसेप्ट आया है यहाँ पर, कोई टर्म आपको दिखाई दे रहा है,
मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास पे डिपेंड कर सकता है, आर जो है आपका दिखाता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी क्या है, उसकी उसकी सेपरेशन क्या है, और एम जो है खुद एम जो है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा डिपेंड करता है। तो आपको ये पता होगा रोटेशन मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी। ओके तो आपको 15 के 15 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे आई होप कि। अब हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। आई होप कि आपने पहले के 15 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 16 को, और आई होप कि आपके पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, नहीं है तो लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से जाके सारे के सारे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझिएगा कि आप क्या गया कि कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है और उसका रेंज जो है वो आर मैक्स को रीच करेगा किस थीटा के किस वैल्यू के लिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए ठीक है, एकदम रेडीमेड क्वेश्चन है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 एंगल जो आपका 45 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 16 का ए है ओके, 16 का आपका ऑप्शन ए होगा ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कॉन्स्टेंट रहता है, इसमें ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है मोमेंटम ओके, तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी vx, और एक है वर्टिकल कंपोनेंट यानी vy। तो इसमें सिंपल सा बात है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी, इसका मतलब ये वेरिएबल होगा, ये कॉन्स्टेंट रहे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगा, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है। वी एक्स, इस पे ध्यान से समझिएगा, यू अगर वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, और आपका हो जाएगा यू साइन थीटा। इस वाले डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं होता, तो ये कॉम्पोनेंट एज इट इज रहता है, दैट्स वाई इट्स रिमेन कॉन्स्टेंट। राइट ऑप्शन आपका सी बनता है, और वर्टिकल कंपोनेंट हो नहीं सकता क्योंकि अपवर्ड में आपका हर बार चेंज होता रहता है वेलोसिटी, क्योंकि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती है, और जब ऊपर से नीचे आता है एक बार एसेंट एक बार डिसेंट के दौरान, तो दो कंपोनेंट में काम करेंगे, तो ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट क्या रहने वाला है, आपका ऑप्शन सी रहने वाला है ठीक है। तो हम बात करते हैं 17 का ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, जब कोई बस सडनली टेक्स अ टर्न करता है एंड द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड। जब भी कोई बॉडी या बस जो है सडनली किसी सर्कुलर टर्न पे आती है ठीक है, सर्कुलर टर्न पे इस तरीके से आती है, और उसको ठीक है यहाँ पैसेंजर्स हैं तो उसको टर्न मिलता है, तो क्या होता है, तो उसके द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड ठीक है, बाहर की ओर उसको एक फोर्स महसूस होता है, बिकॉज ऑफ इनर्सिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, बोथ सी एंड सी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली यहाँ पर लिखा गया है एक इस तरीके से लिखा गया है इनर्सिया ऑफ मोशन ठीक है, इनर्सिया ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि इनर्सिया ऑफ मोशन कहने का मतलब है, और एक है ठीक है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन है, एक है आपका स्पीड ऑफ मोशन। तो यहाँ पर एक्चुअली सारा का सारा फैक्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ठीक है, सारी की सारी कहानी किस पे आके टिकती है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक नॉन इनर्शियल फोर्स पे लगता है, जो कि एक तरह का सेडो फोर्स है। तो इस बॉडी पे इनर्शियल है ठीक है, इनर्शिया मतलब बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, वो बॉडी चाहेगा कि हम जैसा है वैसा ही रहना चाहे, बट वो टर्न को अपोज करना चाहेगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से वो डायरेक्शन को अपोज करेगा ठीक है, सेंट्रीपिटल इधर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल बावल की तरफ लगेगा, तो राइट ऑप्शन आपका इनर्शिया ऑफ मोशन होगा ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 18 का है, 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि बस अ पर्सन सिटिंग इन ओपन कार, एक पर्सन है जो एक खुली कार में बैठा हुआ है, मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, एक कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, वी इसकी कांस्टेंट है,
तो एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई, v इसकी कांस्टेंट है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जा रहा है, यानी आगे साइड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब क्या कर रहा है वो पर्सन, थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, ठीक है, वो पर्सन कोई बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करता है, तो द बॉल विल फॉल आउटसाइड द कार, कार के बाहर गिरेगा, ठीक है। दूसरा है इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, मतलब कार में ही गिरेगा लेकिन उस पर्सन से आगे गिरेगा। तीसरा है इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, और चौथा है एग्जैक्टली इन द हैंड विच इज थ्रू अप, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज में कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से आपने इसे थ्रो किया, ये इधर एक्सेलरेट नहीं है, तो केवल और केवल बॉडी के पास, जिस बॉडी को थ्रो किया उसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला, या सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। तो जितना टाइम में बॉडी वहां जाएगा उतने टाइम में वो कार भी उतना ही टाइम आगे जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बॉल है वो एग्जैक्टली पर्सन के हाथ में गिरेगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो इसके पास बॉल को आपने थ्रो किया है, इस कंपोनेंट का इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही बनता है, 19 का डी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास इतना। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एक फोर्स है वो आपसे बोला कि ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन लग रहा है, बॉडी की मास कितनी दी हुई है 1 kg, एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप जानते हैं एफ बराबर एम ए होता है, तो ए बराबर आपका आ जाता है एफ बाई एम, तो 5/1 यानी 5 m/s² इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर, क्लियर है। तो आप ये 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी के और क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, सेल्फ स्टैटिक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए इसमें सिंपल सिंपल है कि सेल्फ एडजस्टिंग जो है वो केवल और केवल स्टैटिक फ्रिक्शन है, केवल क्या कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि लिमिटिंग जो होता है वो तो फिक्स है, वो आपका एफ मैक्स से आप इसको डिनोट करते हैं, वो आपका म्यू इंटू एन होता है, ये आपका फिक्स हो जाता है कि म्यू जो है वो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, वो एक फिक्स होता है। अगला क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो फिक्स नहीं होगा, स्लाइडिंग जो है, ठीक है, स्लाइडिंग जो होगा नहीं, इसलिए आपका जो स्टैटिक है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो आपके अकॉर्डिंग टू फोर्स आपने जो लगाया है एक लिमिट तक उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है, यानी इसका जो आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, इसमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जब किसी बॉडी पे टॉर्क लगता है, ठीक है, टॉर्क लगता है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, एक है लीनियर वेलोसिटी, दूसरा है आपका एंगुलर मोमेंटम है आपका, एक है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और चौथा है आपका फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब ऑब्जेक्ट पे, अच्छा, व्हेन अ टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो, सॉरी टॉर्क ही जीरो है, ठीक है, सिंपल सा है, टॉर्क ही जीरो है, यही क्वेश्चन खत्म हो गया कि टॉर्क अगर जीरो है तो आपको पता है वो dl by dt होता है, तो इसका मतलब l क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, यानी वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रह जाता है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बन जाता है p, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अ हैमर ऑफ मास 300 kg, एक हैमर मतलब हथौड़ा है जिसका मास कितना है 300 ग्राम, 300 ग्राम मतलब हो जाएगा आपका 0.3 kg, 1000 से डिवाइड करने के बाद, और वो कितनी मूविंग विथ अ वेलोसिटी, कितनी की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 40 m/s से, और जाके एक काटी को स्ट्राइक करता है और कितना सेकंड में रुक जाता है आपका 0.02 सेकंड में जाके रुक जाता है, तो कितना फोर्स वो लगाया है, ध्यान से समझिएगा, ये इतनी की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे,
आपकी फाइनल वेलोसिटी जाके स्ट्राइक करने के बाद वो रुक जाता है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, ए बराबर होता है वी माइनस यू, तो वी आपका फाइनल 0-40 बाई टाइम है आपका 0.02 यानी -40 बाई 0.02, यहाँ से 100 हो गया है आपका, यहाँ से आपका 20 यानी -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन। बट आपसे पूछा क्या है फोर्स, तो फोर्स बराबर आपका हो जाएगा एम ए यानी मास जो है आपका 0.3 इंटू -2000 यानी -600 न्यूटन। ओके -600 माइनस इज जस्ट शोइंग द इट इज अपोजिंग इन नेचर, सो द राइट ऑप्शन बिकम ऑप्शन नंबर ए यानी 600 न्यूटन। ओके क्लियर है, 23 का आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइलिंग वैल्यू। एक गन है, ठीक है, गन मेरी बहुत शानदार है और इसमें जो है बुलेट जो है वो कितनी है 40 ग्राम की है, कितनी ग्राम की है 40 ग्राम यानी जीरो, इसको आप 40 बाई 1000 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0.0 कट जाएगा, 0.04 kg का है और गन की जो मास है वो आपका है 8 kg, बुलेट जो फायर किया गया है उसकी वेलोसिटी कितना है 800 मीटर पर सेकंड, तो आपसे पूछा है रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप रिकॉइलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, VDS इज इक्वल टू -m/m इंटू V हो जाएगा, जहां m क्या है बुलेट की मास है कैपिटल M, गन की मास है और V क्या है जितने के वेलोसिटी से चल रहा है, तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल m जो है वो आपका 0.04 और इसकी जो मास है वो आपका 8 है और कितने के वेलोसिटी से चल रहा था आपका 800, यहाँ से हमने डेसिमल निकाला है तो यहाँ 20 कट गया यानी आपका -4 मीटर पर सेकेंड। ओके -4 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव डायरेक्शन शोज दैट कि जिस साइड अगर ये गन बुलेट उधर जा रही है तो आपका रिकॉइलिंग क्या होगा पीछे की तरफ होने वाला है, यानी आपका 24 का ऑप्शन नंबर डी बन रहा है राइट आंसर। ठीक है, 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन पे बात बढ़ते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग अ 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड अ 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड विल बी कित। ओके, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3 kg का मास है जो 5 मीटर पर सेकंड के से एक्सेलरेट हो रहा है और एक बॉडी है वो 4 किलो का है। ठीक है, इसको मैं मिटा के समझाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन का क्या कहा गया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसकी मास क्या है, एक मास है 3 kg, वो कितना का है 5 मीटर पर सेकेंड और एक दूसरी मास है जिसका मास है आपका 4 kg और वो कितना का एक्सेलरेशन से चल रहा है 4, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा। सिंपल सा बात है भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 3 × 5 यानी आपका 15 न्यूटन हो जाएगा, सेकंड वाले केस में 4 × 4 आपका 16 न्यूटन यानी सेकंड वाले मास को ज़्यादा मूव कराने में फोर्स लगेगा, यानी जो आपका बोल रहा है ग्रेटर, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ग्रेटर फॉर 4 kg ऑफ मास एट अ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी 25 का ऑप्शन डी। ओके, तो ये आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई होप, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की ओर। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। सिंपल सा है, आपसे पूछा है सेंट्रिपिटल फोर्स, डायरेक्ट फार्मूला है mv² / r। ओके, डायरेक्ट फार्मूला है mv² / r यानी आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉडी ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम मास। ठीक है, दो बॉडी है ए और बी, दोनों के मोमेंटम यानी पी और पी, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, दोनों ही सेम है। मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास, इसका जो मास है यानी एम बी और इसका मास एम ए, क्वेश्चन में बोला है मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन एम ए। ठीक है, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा बात है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो है p² / 2m यानी काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या ऐसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है, यानी जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी
कम, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से। यानी आपका पता चल जाएगा कि विच ऑफ द बॉडी हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, यानी आपसे पूछा था हायर किसके पास है, बॉडी ए के पास, जिसकी मास कम उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ओके, यानी ऑब्जेक्ट नंबर ए के पास, 27 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है वो क्या बताता है, सिंपल आपका है वर्क डन को बताता है, क्या बताता है, वर्क डन, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका जो प्रोडक्ट होता है, आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कर्व प्लॉट होगा वो आपका वर्क डन को डिनोट करेगा, ओके, यानी ऑप्शन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास, आपका बोल रहा है एक मास है जिसका मास है आपका 100 kg, उसको हम लोग जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, कितना मीटर की ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, 50 मीटर की ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, कितने टाइम में, 50 सेकंड में, तो कितना बोल रहा है एवरेज पावर रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपल सा बात है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, और वर्क कितना करते हैं आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो mgh बाय टाइम होगा। मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का, 100, जी का वैल्यू हमें यहाँ पर 9.8 ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, हाइट जो है आपका 50 है और टाइम भी है आपका 50, ये कैंसिल होगा, यहाँ से पॉइंट निकालेंगे 10 और 10, तो 980 वाट हो जाएगा, यानी पावर जो हो जाएगा वो 980 वाट, यानी 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास ए एम एंड द लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, मिड पॉइंट। आपको मैं इस चीज़ का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी एक रॉड है जिसकी अपनी लंबाई एल है, उसके बीचों बीच से मिड पॉइंट से पास करने वाले एक्सिस है उसके अबाउट क्या होने वाला है, ठीक है, उसके अबाउट क्या होने वाला है, आप इसके अबाउट बताइएगा, इसके अबाउट मैं इसको ब्लैंक रख के चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं ब्लैंक रख के चलता हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में खुद दीजिएगा, ठीक है। अब और इसका आंसर अगर जानना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के जान सकते हैं, अदरवाइज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, ठीक है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, एक 5 न्यूटन के फोर्स के लगाने के कारण से जो है एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर उसके परपेंडिकुलर मूव कर जाता है। सिंपल सा बात है, एक ऑब्जेक्ट पे आपने सपोज करते हैं इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली वो 10 मीटर चला गया है, तो कितना वर्क डन होगा। सिंपल सा बात है, यहाँ एंगल है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है fs cos थीटा होता है, थीटा के वैल्यू 90 डिग्री लगाएंगे चाहे फोर्स कुछ भी रहे, यानी 5 × 10 यानी cos 90 आपका होता है 0, यानी वर्क डन क्या होगा 0 जूल, यानी ये 0 जूल जो है आपका 0 वर्क को डिनोट करता है, यानी जो आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर डी, ओके। 32 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब वर्क किया जाए किस पे डिपेंड नहीं करता है, पहला है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, अभी मैंने बताया है वर्क बराबर fs cos थीटा होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है f डॉट s लिखते हैं, वर्क फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा ये पूछा गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी, एक ऑप्शन दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी, उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है द वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंज इन, ओके, चेंज इन द वर्क डन बाय द ऑल द इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ओके, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, ये डायरेक्ट फैक्ट है, ओके। अगला जो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज लाई इन अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्या ये बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, मे बी विद इन और आउटसाइड द सेंटर। तो सेंटर ऑफ मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का या तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, या तो उसके इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड, यानी मे बी आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ जाते हैं कि आपको बोला गया है कि फोर्स दिया हुआ है, वो आपका लिखा हुआ है -3i कैप प्लस जे कैप। अगर आपने ये मेरा वेक्टर प्रोडक्ट का लेक्चर देखा हुआ है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आर आपका दिया हुआ है, वो आपका है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो आपसे पूछा है टॉर्क, क्या पूछा है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो मैंने बताया तो बहुत आसान होता है आई जे के। तो आर की जो है वो 7, 3, 1, इसका है -3, 1, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे आई कैप, 3, 5 जे आपका 15, -1 हो जाएगा, माइनस जे लगाएंगे इसको तो 35, +3 हो जाएगा, प्लस के कैप लगाएंगे इसको और इसको ढकेंगे 7, +9 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 14i कैप -38j कैप प्लस 16k कैप। ओके, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए, ओके ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बनता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। इसको समझने के लिए आपको मेरे वेक्टर के प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं यहाँ पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और भी अगर आपको ऐसे और भी शानदार लेक्चर चाहिए, ठीक है, शानदार होगा या नहीं होगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आप बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपने आगे के लेक्चर्स में। और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं, ओके मिलते हैं, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।